हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि आखिर अभी ये चर्चा में क्यों है, और जो अभी प्रेस स्वतंत्रता की रिपोर्ट आई है उसकी मुख्य खास बातें क्या है उन्हें भी देख लेंगे, ये जारी कौन करता है उसे भी देखेंगे, प्रेस की आज़ादी में आ रही कमी के मूल कारण क्या है उन्हें भी देखेंगे, मीडिया विनिमय हेतु न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के दिशा निर्देश देखेंगे और आगे की राय देखेंगे। तो चलिए इस आर्टिकल को हम लोग जानने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बताता हूँ। किसी भी चीज़ के पतन के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होती है, इस नियम को हमेशा लागू याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका बिंदुसार है अशोक। आपको याद हो तो अशोक ने कहा था कि अगर आप किसी के धर्म को नीचे गिराते हो, अगर किसी व्यक्ति को, उसका कहने का मतलब है अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हो तो आप भी तैयार रहिए नीचा देखने के लिए। और फिर आप लोगों ने न्यूटन का तीसरा नियम देखा होगा, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत मिलेगी, क्लियर है। आप किसी को नीचा दिखाते हैं आपको नीचा दिखाएंगे, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो मीडिया के पतन के लिए आप कह सकते हैं मीडिया खुद जिम्मेदार है। वैसे आपने सुना होगा लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, जिसमें से आपका मीडिया खुद चौथा स्तंभ है। पहला है आपका न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर मीडिया। तो मीडिया की अभी क्या स्थिति हो गई है आप लोग खुद देख सकते हैं, और अब बताइए कैसे किस तरह है। एक स्टोरी है, किसी जगह किसी महिला के पति ने फांसी लगा ली, तो मीडिया जाती है तो क्या पूछती है, तुम्हारे पति ने फांसी लगाई तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो, तो बताइए ये मीडिया के हाल। कई पत्रकारों को देख रहे होंगे आप, जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई उसके पहले कुछ ही दिन पहले पूछ रहे पत्रकार क्या भारत को हमला करना चाहिए या नहीं, इस तरह से वक्तव्य दिए जाते हैं। क्या तुम ही, मतलब मुझे लगता है कि यही बैठे हुए हैं क्या, कि हाँ में जवाब आया तुरंत आक्रमण कर दीजिए। कितने नीचे गिर सकती है, उससे भी नीचे गिर चुकी है। अपना धर्म बिल्कुल भी निभाने को तैयार नहीं है मीडिया। अगर किसी एक्टर या एक्टर ने कहीं कोई कपड़ा पहना, तुरंत देखी है रिपोर्ट कि आज इस एक्टर ने ये देखा, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, किसी ने याद दिलाया, कोई मीडिया वाला गया नहीं। चलिए फिर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं हम लोग। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी पर नज़र रखने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट जारी की है। याद रखना इसमें दो, जो आपकी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट होती है इसमें 2019 के आंकड़े लिए गए हैं, ठीक है। अब जो 2021 की आएगी रिपोर्ट उसमें आपके 2020 के आंकड़े लिए जाएंगे, तो ये हमारे 2019 के आंकड़े हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत दो पायदान नीचे खिसक गया है। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत जहां पिछले वर्ष 140वें पायदान पर था, वहीं इस वर्ष आपका 142वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारत के पिछड़ने का यह सिलसिला कई वर्षों से जारी है। आपका वर्ष 2016 में भारत जहां 133वें स्थान पर था, तो वहीं 2017 में आपका 136, 2018 में 138, और 2019 में आपका 140वें स्थान पर, और अब 2020 में 142वें पायदान पर है। 2014 की बात करें तो 140वें पायदान पर होने के बाद वर्ष 2016 में 33वें स्थान, 133वें स्थान पर आना प्रेस की आज़ादी के लिए एक शुभ संकेत जरूर था, लेकिन उसके बाद भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट से सवाल खड़े होने स्वाभाविक है। दरअसल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत के प्रति जो गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं,
उन पर भी गौर करने की जरूरत है। रिपोर्ट इस बात का जिक्र करती है कि 2019 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कश्मीर के इतिहास का सबसे लंबा कर्फ्यू लगाया गया। देश में लगातार प्रेस की आज़ादी का उल्लंघन हुआ, जहां पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस ने भी हिंसात्मक कार्रवाई की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी हमले हुए। इस प्रकार के कार्यों को ही भारत की रैंकिंग में पिछड़ने की वजह बताया गया। ऐसे प्रश्न में यह प्रश्न उठना जरूरी भी है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस तरह कमजोर क्यों हो रहा है। एक देश में जहां सैकड़ों न्यूज चैनलों और हजारों समाचार पत्र काम कर रहे हों, वहां पत्रकारिता का कमजोर होना कितना सही है। वे कौन सी ताकतें हैं जो इसे कमजोर बना रही हैं? मीडिया की स्थिति में गिरावट में उनकी कितनी भूमिका है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखिए, लेकिन जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो एक ना तो आपको नकारात्मक चीजें लिख देनी है, किसी के बारे में पूछ रहा है तो बैलेंस बनाकर लिखना है, ठीक है? तो आपको एकाएक उसकी नकारात्मक पहलू मत लिखने लिखने लग जाना है कि आपके दिमाग में नकारात्मक नकारात्मक भर जाए। तो दोनों का बैलेंस बना के रखना है, सकारात्मक और नकारात्मक। बात करते हैं रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं। पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर लाभकारी संस्था वर्ष 2002 से ही वार्षिक रूप से यह सूचकांक जारी करती आ रही है। यह दुनिया भर के देशों में प्रेस की आजादी के स्तर का पता लगाने का काम करती है। यह सूचकांक बहुल बहुल बात के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचे, पारदर्शिता के साथ साथ समाचार और सूचना के लिए मौजूद बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है। ये आपका सूचकांक। मौजूदा सूचकांक की बात करें तो नॉर्वे को पहला, फिनलैंड को दूसरा, डेनमार्क को तीसरा स्थान मिला हुआ है, जबकि जो आपका उत्तर कोरिया है इसे अंतिम पायदान पर मिली हुई है। तो पहले पर आपका नॉर्वे, नॉर्वे, फिनलैंड, फिर उसके बाद डेनमार्क, ठीक है? सबसे नीचे आपका उत्तर कोरिया है। रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में से मैं 24% देश ऐसे हैं जहां पत्रकारिता की स्थिति अच्छी या संतोषजनक है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा आपका 26% था। इसी तरह पत्रकारिता के लिहाज से 37% देशों को समस्याग्रस्त, 29% देशों को कठिन परिस्थिति और 11% देशों को बेहद गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है? अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें हम लोग, तो भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार की रैंकिंग भारत से बेहतर है बताई गई है, जबकि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की स्थिति भारत से खराब है। तो भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार की स्थिति भारत से बेहतर है और पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश की स्थिति भारत से भी खराब है। इस सूची में आपका भूटान 67वें स्थान पर, अफगानिस्तान 122, श्रीलंका 127, म्यांमार 139 भी पायदान पर, जबकि चीन आपका इस 177, बांग्लादेश 151, पाकिस्तान 145वें स्थान पर। आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान से बुरी स्थिति हमारी, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान में कितनी अस्थिरता है, फिर भी उसकी स्थिति हमसे बेहतर है। भारत को इस सूचकांक में 45.33 अंकों के साथ 142वां स्थान हासिल हुआ, जबकि भारत 2019 में सूचकांक में 140वें स्थान पर था। बात करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानवाधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण आपका वर्ष 2000 में प्रकाशित किया गया था। पहला सूचकांक कब आया था? सन 2002 में। अब बात करते हैं प्रेस की आजादी में आ रही कमी के मूल कारण क्या है।
कमी आ रही है, नीचे गिरती जा रही है, इसकी स्थिति ही आए, इसके कारण क्या हो सकते हैं? पिछले एक दशक में जिस तरह प्रेस की आज़ादी में कमी आई है, उससे यह पता चलता है कि प्रेस की आज़ादी का आकलन जिन संकेतकों पर किया जाता है, उनकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही है। इसलिए जरूरी है कि इन संकेतकों पर ही गौर किया जाए। अगर बहुलवाद के स्तर की बात करें हम लोग, तो इससे मीडिया में अपने विचारों को प्रस्तुत करने की सीमा का पता चलता है। लेकिन हाल के दिनों में मीडिया पर ईमानदारी से रिपोर्टिंग ना करने के आरोप लगते रहे, इसे जरूरी मुद्दों की बजाय गैर जरूरी मुद्दों पर बात करने की मीडिया की प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप की बात की जाए तो स्थिति चिंताजनक है। बीते वर्षों में पत्रकारों की हत्या, उन पर हुए जानलेवा हमले आदि का कारण उनके पेशेवर रिपोर्टिंग ही है। इसलिए बहुत संभव है कि पत्रकारों में डर का माहौल होने की वजह से उनकी रिपोर्टिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। ऐसे में न केवल खोजी पत्रकारिता की भावना खत्म हो जाती है, बल्कि डर के वातावरण के कारण सच को छुपाने का भी प्रयास किया जाता है। ऐसे में मुख्य धारा की मीडिया में स्वयं ही अपने ऊपर सेंसरशिप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हालांकि कानूनी ढांचे की बात करें हम लोग, तो विधिक रूप से पत्रकारिता पर नियंत्रण करने के लिए वर्तमान में कोई ठोस कानून नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कानूनों में प्रेस पर नियंत्रण के प्रावधान जरूर हैं। हाल ही में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत द हिंदू समाचार पत्र पर कार्यवाही की बात इसी का एक उदाहरण है। ऐसा भी कहा जाता है कि सरकारें पर्दे के पीछे से ही प्रेस को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, जिसके कारण मीडिया सरकार की आलोचना करने से परहेज करता है। इसे आप लोग भी जमीनी स्तर पर देख रहे होंगे पहले। हालिया वर्षों में मीडिया पर जन सरोकार के मुद्दों को प्रकाश में लाने की वजह सरकार का पक्ष लेने के भी आरोप लगते रहे। इसलिए संभव है कि सरकारी तंत्र के दबाव में होने की वजह से मीडिया का यह स्वरूप सामने आ रहा है। प्रेस से संबंधित बुनियादी ढांचे की बात करें तो इसकी गुणवत्ता में भारी कमी देखी जा रही है। खबरों की रिपोर्टिंग करने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होती है, उन्हें पत्रकारों को मुहैया ना कराया जाना भी एक आपकी बड़ी समस्या है। इसके अलावा प्रेस की आज़ादी में मीडिया का निगमीकरण भी एक बड़ी रुकावट है। ज़्यादातर मीडिया हाउसेज की कमान अब उद्योगपतियों के हाथों में चले जाने से सच्ची पत्रकारिता की बजाय अधिक से अधिक मुनाफा कमाना प्रेस की प्राथमिकता हो गई है। इसे लोकतंत्र की विडंबना ही कहेंगे कि जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, वह मीडिया आज पूंजीपतियों की काहिमाती बनता दिख रहा है। तो ये थे आपके मीडिया की स्थिति बुरे होने के कारण। बात करते हैं मीडिया विनिमय हेतु न्यूज ब्रॉड कास्टर्स एसोसिएशन के दिशा निर्देश। इसने क्या दिशा निर्देश जारी किए? रिपोर्टिंग में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता, सत्यता और संतुलन बनाए रखना टीवी समाचार चैनलों का उत्तरदायित्व है। तटस्थता सुनिश्चित करना, टीवी समाचार चैनलों को किसी भी विवाद या संघर्ष में सभी प्रभावित पक्षों, हितधारकों और अभिकर्ताओं से समानता का व्यवहार कर तटस्थ रहना चाहिए, ताकि वे अपना विचार प्रस्तुत कर सकें। अपराध और सुरक्षा उपायों पर रिपोर्टिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपराध और हिंसा का महिमामंडल ना किया जाए। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा या उत्पीड़न का चित्रण, समाचार चैनलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी महिला, बालिका या किशोर जो यौन हिंसा, आक्रामकता, आघात से पीड़ित है अथवा इसका साक्षी रही रहा है, को टीवी पर दिखाने के दौरान उनकी पहचान को जगह ना किया जाए। निजता का सम्मान करना,
चैनल को व्यक्तियों के निजी जीवन या व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के नियम का पालन करना चाहिए, जब तक कि इस तरह के प्रसारण के स्पष्ट रूप से स्थापित बेयत और अभी के सार्वजनिक के ना। अब बात करते हैं आगे की राय क्या हो सकती है, इसे भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम मीडिया कर्मियों के कामकाज की दिशा को बेहतर करने की जरूरत है। उन्हें सेवा की सुरक्षा देने मीडिया की आजादी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। साथ ही मीडिया हाउसेज के मालिकों को राजनीतिक सुख भोगने की लालसा त्यागने की जरूरत है। वर्तमान में कई संपादक या मीडिया हाउस के मालिक संसद बने हुए हैं। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वह प्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा आजादी का वातावरण सुनिश्चित करें। हालिया वर्षों में मीडिया रिपोर्टर्स के खिलाफ सत्ताधारी दलों द्वारा न्यायालयों में जाना चिंता का विषय रहा है। हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि देश की आजादी में प्रेस द्वारा जागृत जनमत और जागरूकता का अहम योगदान रहा है। अगर प्रेस प्रेस के जरिए जुल्म के खिलाफ आवाज को मुखर ना किया गया होता तो आज आजाद हवा में सांस लेने के लिए हमें शायद और इंतजार करना पड़ता। इसलिए सरकार को लोकतंत्र की मजबूती हेतु प्रेस की आजादी सुनिश्चित करने की जरूरत है, ताकि भारत का लोकतंत्र हर हर मायने में एक कामयाब लोकतंत्र की छवि हासिल कर सके। तो ये था आपका हाल मीडिया, ठीक है।